दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। मैंने आपको लगभग 5 दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था बिहार डीएलएड का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो उसमें मैंने आपको बिहार डीएलएड के बारे में रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक का पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, उसी में से कुछ लोगों का कॉमेंट है कि नाम गलती हो गया, बोर्ड का नाम गलती हो गया, कोई भी चीज़ गलत हो गया है, तो क्या उसको करेक्शन यानी कि सुधार करवा सकते हैं, कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, जो भी प्रक्रिया है हमें बताइए। तो मैं आज इस पर एक वीडियो लेकर चले आया हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और डेट जो दिया गया था 14 दिसंबर को लास्ट डेट दिया गया था। तो कोई भी चीज़ को सुधार करने के लिए लास्ट डेट से पहले करना होता है, तो समय नहीं बचा इसलिए हम आपको आज ही लाके दे रहे हैं एक वीडियो। तो चलिए, अभी भी 3 दिन हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले भी आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए, आपको इस वेबसाइट पे चले जाना जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपने अप्लाई किया था। तो सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पे सुधार होगा या ना होगा। यहाँ पे बोर्ड की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो यहाँ पे आप आएंगे क्यूक लिंक में, यहाँ पे क्यूक लिंक में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले जी इस बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन का जो PDF होगा वो ओपन हो जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन का PDF है ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसे आप भी डाउनलोड कर लेंगे। इसमें पूरी प्रक्रिया सभी चीज़ की ऑनलाइन से लेकर आपको उस करेक्शन तक का पूरी प्रक्रिया बताया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे भी इनके द्वारा बताया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे 12 नंबर में दिया गया है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल एवं ईमेल पर user ID एवं पासवर्ड भेजा जाएगा एवं अभ्यर्थी को user ID पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे और इसकी गोपनीयता बनाए रखें। मतलब कि जैसे अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको एक user ID पासवर्ड मिलेगा, मोबाइल या ईमेल दोनों के द्वारा मिलेगा। आप इस user ID पासवर्ड की समिति कार्यालय के कदापति ना भेजें, किसी को ये ईमेल ID पासवर्ड ना भेजें। इस user ID एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति की उक्त वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है यूजर कि अपना ID पासवर्ड से लॉगिन करके किसी भी तरह की त्रुटिपूर्ण यानी किसी तरह की गलतियां को सुधार सकते हैं अंतिम डेट यानी कि 14 तारीख से पहले कहाँ जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर जहाँ से आपने अप्लाई किया हो। तो ये साफ क्लियर हो गया कि मतलब गलत हो जाने के बाद सुधार हो जाएगा, ये साफ क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बल्कि ये नोटिफिकेशन आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर को आप पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह अच्छे से लिखा गया साफ साफ कि आप अंतिम डेट से पहले पहले जाके इस वेबसाइट पे सुधार कर सकते हैं। तो मैंने इस वेबसाइट पे चले, इस वेबसाइट पे मैंने छान, पूरा वेबसाइट को छान ली, कहीं भी मुझे एडिट का ऑप्शन नहीं मिला। तो चलिए मैं लॉग इन करके देख लेता हूँ, लॉग इन भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेंट नंबर देंगे और डेट ऑफ बर्थ देंगे। तो यहाँ पे मैं user ID पासवर्ड इंटर करके यहाँ पे कैप्चर भी इंटर कर चुका हूँ, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ पे लॉगिन होने का कुछ इस तक सेंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो पेमेंट हुआ वो पेमेंट का डिटेल रहेगा, पूरा चीज आपका मार्क वगैरह रहेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कहीं भी एडिट का ऑप्शन नहीं दे, एक प्रिंट का ऑप्शन दिया, इसको आप रिसिप्ट को फिर से प्रिंट कर सकते हैं और एक लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है। तो पूरी वेबसाइट पे कहीं पे एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लॉगिन किए उसके बाद कहीं पे एडिट का ऑप्शन नहीं मिला। तो अब कैसे सुधार करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है, 3 दिन का समय है, ठीक है। तो यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट वगैरह लगाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है तो इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, मतलब फेक डॉक्यूमेंट का डिटेल मत दीजिएगा,
जैसे बोर्ड का नाम, कोई भी चीज़ गलती हो गया तो उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कोई भी डिटेल नहीं आ रहा है एडिट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो कहीं पे हमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, तो अब कैसे एडिट कर पाएंगे ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो लॉग आउट हो चुका है, तो कैसे सुधार होगा, तो इस वेबसाइट पर आएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है क्वेश्चंस में। तो प्लीज एनी टेक्निकल मतलब टेक्निकल कॉल के लिए आप यहाँ से इनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी इनका नंबर दिया गया है, दो नंबर दिया गया है, प्लीज कॉल, ये दो नंबर दिया गया, दो नंबर से किसी भी नंबर पे आपको कॉल करना होगा, जो कि 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक आप कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार तक। नहीं तो आप ईमेल की भी मदद ले सकते हैं, ईमेल से भी आप यहाँ पे मदद ले सकते हैं। अगर पेमेंट में जैसे पेमेंट कट गया, सक्सेस नहीं हुआ, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आपको इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, पेमेंट गेटवे पे, इस वाले नंबर पे पेमेंट के रिलेटेड कॉल करना है। अगर एडिट वगैरह के रिलेटेड कॉल करना है तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो आपसे आपको DLED का जो एप्लीकेशन नंबर मिला था रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो आपसे पूछा जाएगा और क्या सुधार करेंगे वो पूछा जाएगा, तो वहाँ से वो कर देंगे। तो यही छोटा सा प्रक्रिया था, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन खुद से सुधार करने का कोई प्रक्रिया नहीं दिया गया। उनको आप कॉल कीजिएगा, वो आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेंगे, तो हो सके डेट ऑफ बर्थ भी मांग सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन नंबर देंगे, क्या सुधार करना वो उनको बताएंगे, तो वो वहाँ से एडिट कर देंगे, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट का ऑप्शन वो ऐड कर देंगे। क्योंकि अभी जनरल नहीं किया गया, सभी के लिए एडिट का ऑप्शन एक्टिव नहीं किया, किसी के लिए भी एक्टिव नहीं किया गया है। तो आप कॉल करके उनके द्वारा एडिट करवा सकते हैं, आप कॉल कीजिए उनको और एडिट करवा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों नंबर दे दूंगा, दोनों नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इनसे बात किया तो ये बोला कि दो तीन दिन में एक्टिव हो जाएगा एडिट का ऑप्शन, लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, समय नहीं है, क्योंकि 14 तारीख अंतिम डेट है और आज 11 हो चुका है। इसलिए मैं सोचा उनके द्वारा मतलब खुद से करने का एक ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन ये ऐड करने वाले थे, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो हम सोचे आपको इसके बारे में बता दें। तो आप एक एडिट का ऑप्शन समझ लीजिए, एडिट करने का ऑप्शन आप कॉल करके उनके द्वारा एडिट करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस तरह एडिट को सही कर पाए उनको कॉल करके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।